नमस्कार, मैं हूं पत्रकार विभास, आप देख रहे हैं भारत कवरेज न्यूज। इसमें मैं जौनपुर जनपद के सुरेरी थाना क्षेत्र के भरतीपुर गांव में हूं। यहां मानदार हैं, थाना रामपुर है, यहां भरतीपुर गांव में मैं हूं। यहां के मानदार हैं, जो प्रयागराज में बस हादसा हुआ था, जो यहां से स्कूल वैन बस गई थी, दुर्घटनाग्रस्त हुई थी, जिसमें दो बच्चों की मौत हुई थी, उसमें भरतीपुर के जो मानदार हैं इनके लड़के अनुराग की भी मौत हो गई। बहुत बड़ा हादसा हुआ है और इस गांव से 5-7 लड़के लगभग गए थे, इनकी एक बेटी भी गई थी और लोग सुरक्षित बच गए, लेकिन इनका लड़का जो इकलौता था अनुराग, उसकी मौत हो गई। मौत के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। प्रथम दृष्टया जो है विद्यालय के जो प्रबंध सीमित है उस पर लापरवाही का आरोप भी लग रहा है। यहाँ ग्रामीणों का ये कहना है कि जो बस से गए थे उसमें लगभग 40 लोग बैठ सकते थे, लेकिन 83 लोगों को बैठा के ले जाया गया था, बेंच लगा के बैठाया गया था। तो उनके परिवार के, उनके पिताजी हैं, उनसे पूछेंगे कि आप बच्चे को कैसे भेजे थे, क्या था सब। आइए थोड़ा सा, क्या नाम है आपका? मानदार नाम है सर। आपके बेटे की डेथ हुई है? हमारे लड़का था। अच्छा, तो बच्चा कितने बजे गया था यहाँ से आपके? यहाँ से 6 बजे निकला था घर से। अच्छा, हाँ। तो आप इसको जाने नहीं दे रहे थे कि वो जिद किया था, कैसे क्या हुआ? वो जिद नहीं किया, निसल ने फोन किया वहाँ से घर से अपने कि तुम्हारे पास 2-500 रुपया नहीं है। अच्छा, और पढ़ाई का एक सबक होता है टूर पे जाना, इसलिए हम मजबूर होकर बच्चों को पैसा दे दिए और चले गए। तो कितने बजे लगभग यहाँ से गया था बच्चा? 6 बजे। कुछ खाया पिया था कि कैसे? कुछ नहीं खाया था। तो ये घटना की जानकारी कब मिली आपको? 10 बजे। 10 बजे। फिर कब पहुंचे आप लोग वहाँ? वहाँ हमको पहुंचने में लगभग 12:30-1 बज गया, जहाँ मतलब घटना हुई थी। अच्छा। और अस्पताल में जब वहाँ पहुंचे तो मेरा लड़का चीरघर में था, जहाँ नहीं होना चाहिए वहाँ था। सर, कोई वहाँ पे प्रबंधक नहीं, कोई वहाँ कोई हमारी सुनवाई भी नहीं किया, न प्रबंधक मेरे पास आया, न कोई आया, कोई हमसे बात भी नहीं किया। मजबूर होकर अपने बच्चे को पास लेकर मत रोइए। देखिए, इनका इकलौता पुत्र था, इकलौता था लड़का ना, इस बात इनका कष्ट आप देख सकते हैं, इनका इकलौता बेटा था जो है। तो वहाँ जब आप पहुँचते हैं तो वहाँ कोई मिला नहीं आपको? कोई नहीं मिला सर, कोई नहीं मिला वहाँ पर। सिर्फ प्रशासन हमसे बात कर रही थी और कोई न प्रबंधक न मैनेजर न कोई हमसे नहीं आया मिलने, न तो कोई हमारा दुख पूछा वहाँ पर क्या हो रहा है तेरे साथ, न घर पे कोई आया अभी तक नहीं आया। अच्छा, अभी भी नहीं आया घटना होने के बाद? विद्यालय की तरफ से कोई आया? कोई नहीं आया। तो जब ये सूचना मिली थी तो कोई एक्सीडेंट की सूचना आपको मिली थी कि बच्चे के खत्म होने की? नहीं, इसके डेंट होने की मतलब सीरियस मैटर में ये नहीं बताया, तुरंत ऑन द स्पॉट उसका मौत हो गया। अच्छा, हाँ। देखिए, एक लापरवाही विद्यालय प्रबंधक द्वारा की गई, घटना तो हो जाती है, दुर्घटनाएं घट जाती हैं, लेकिन इनका कहना है कि वहाँ कोई विद्यालय प्रशासन की तरफ से भी कोई नहीं आया हालचाल पूछने के लिए कैसे क्या है। ये गए तो इनके साथ बड़ी असुविधा भी हुई, एक पिता का दर्द आप लोग देख सकते हैं। इनकी एक बेटी भी साथ थी, गई थी, अनु थी, वो भी थी, हम थोड़ा सा उस बात करेंगे। फिलहाल इस गाँव के 6-7 लड़के गए थे, लोग आरोप भी लगा रहे हैं कि जो है विद्यालय के बेटे, क्या नाम है? अनु गौतम। कितने में पढ़ती हो? 9th में। कौन सी विद्यालय में पढ़ती हो? श्रीमती कांति देवी जनता विद्यालय। तो टूर पे जाने के लिए विद्यालय ने कितने दिन पहले से तैयारी की थी? 10 दिन। अच्छा, तो तुम और भाई तुम्हारा अनुराग साथ में बैठे थे कि दूर बैठे थे? थोड़ा सा दूर। अच्छा, तो यहाँ से जाने के बाद कुछ रास्ते में खिलाया पिलाया था कि नहीं? अभी केवल जा ही रहे थे? नहीं, बस जा रहे थे, कुछ खिलाया नहीं थे, बस एक जगह गाड़ी रुकी थी बस। अच्छा, तो ये नहीं, जो घटना बेटा अचानक जब हुई तो आप लोग क्या था, क्या वहाँ बस का, बस में क्या स्थिति हुई, जब क्या हुआ था बस? बोलो बोलो, बताओ बताओ, कोई देखे बताओ। एक्सीडेंट होने के बाद बस पलट गई और क्या, मतलब चीख पुकार या और सब इस तरह के कुछ? आप लोगों को बचाने के लिए कोई आगे आया पहले? कैसे, कितने देर तक बस में आप लोग फंसे थे? कुछ पहले बस जब पलट गई तो पहले कोई भी नहीं वहां पर आया था, फिर तब जब वहां सब ग्रामीण लोग जुटने लगे। अच्छा, तो आप लोगों को सुरक्षित बाहर बस में कितने देर बाद निकाल लिए लोग? 2 मिनट, 2-3 मिनट बाद बचे गांव के लोग निकाले। प्रशासन कब तक आया था वहाँ? पुलिस पुलिस कब आई थी और सब? 10 मिनट। देखिए, बच्ची डरी है, सहमी है, नहीं बता पा रही। और कोई बच्चा था साथ में ये बताएगा, क्या नाम है आपका? रोहित कुमार। रोहित, कितने पढ़ते हो आप?
इलेवेंथ क्लास में। इलेवेंथ पढ़ते हो। जब हादसा हुआ तो बस में आप कहाँ थे, अनुराग कहाँ था? बस अनुराग मेरे जस्ट बगल में था। अच्छा, ऐसे बोला। तो जब दुर्घटना एक्सीडेंट हुआ तो कितने बच्चे लगभग घायल हुए होंगे उस समय? कितने घायल? लगभग 15 लोग हुए हैं और जिसके में 3 लोग को मौत हो गई है। अच्छा, अभी तो प्रशासन 2 लोगों को मौत बता रहा है। 3 लोग को हमको पता है। अच्छा, सीरियस एक लोग थे। अच्छा, सीरियस लोग। हम लोग वहाँ पे हम थे। अच्छा, बस में थे, स्वरूप रानी हॉस्पिटल में। अच्छा, हॉस्पिटल भी गए थे? यस। अच्छा, क्या उस समय स्थिति क्या रही होगी जब बस एक्सीडेंट हुआ, बच्चे डायरेक्ट में क्या हो गया? स्थिति यही बहुत बेकार थी कि बस वाला जो ड्राइवर था वो भाग गया था। अच्छा, ड्राइवर भाग गया। तो आप लोग देख रहे थे कैसे हुई? बाइक वाला आया था बता रहे हैं, बाइक बचाने में हुआ, कैसे दुर्घटना हुई? बाइक के कारण हुआ। अच्छा, बाइक। और बस लगभग 90 की 100 की स्पीड में थी, तेज रफ्तार थे। यस, तेज रफ्तार बता रहे हैं बस भी थी। और संख्या कितनी थी बच्चों की लगभग बस में? 53 83 जो कि आप लोग कहाँ बैठे थे? सब सीट पे आ गए थे? नहीं, एक मतलब 3 सीट थी, उस पे 4 लोग बैठे थे। अच्छा, उसमें बीच में 4 डेस्क डाला गया था। यस, देखिए प्रशासन की कहीं ना कहीं लापरवाही तो जो है ही, वो देखते नहीं कि बसें जा रही हैं। यहाँ विद्यालय प्रशासन की भी लापरवाही सामने आ रही है कि जिस बस को इन्होंने बुक किया था टूर के नाम पे, उसमें 41 बच्चे जा सकते थे लेकिन 83 लोगों को बैठाया था। मैं बता रहा हूँ, भरतीपुर गांव में हूँ, यहाँ कुछ और लोग हैं जो है गाँव के। क्या आप कह रहे थे विद्यालय को? कहना यही है कि ये सब बहुत लापरवाही किए हमारे बच्चे को बुला के। अच्छा, पहली बात तो प्रबंधक साहब ये जो है विपिन सिंह और अनिल सिंह यहाँ के जो है हेडमास्टर हैं, उन्होंने मेरे बड़े भैया को फोन किए थे कि क्या आप अनुराग को क्यों नहीं भेज रहे हो पैसे के कारण। तो हम लोग घर से नहीं भेज रहे थे उसको, लेकिन फिर भी वो बुलवाए और यहाँ से वो गया। अब गया तो सीट उसमें 45 ही था बस का, लेकिन ये लोग जो है 83 बच्चे जबरदस्ती भरे थे, पैसा कमाने के लिए भरे थे। अच्छा, दूसरी बात, पैसा कमाने के लिए ही भरे थे ये लोग, और इसमें बिपिन का भी हाथ है, ये उस कॉलेज के ठीक मालिक हैं ये। अच्छा, इनको चाहिए था ना कि हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, कितने जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, सारा लापरवाही बिपिन सिंह का है। ये पूर्व ब्लॉक प्रमुख है बिपिन सिंह, पूर्व कोई भी मदद नहीं सर यहाँ पे। अच्छा, कोई भी है? जी सर, पूर्व ब्लॉक प्रमुख ही का है, कोई भी मदद। और ये अनिल सिंह बच्चों को जबरदस्ती बुलवा रहे थे घर से, कई घर पे फोन भी किए थे कि क्यों नहीं भेज रहे हो बच्चे को। और अनिल सिंह ही उस स्कूल का हेडमास्टर है इस समय। बच्चे बस में बैठे रहेंगे उनके ना? अनिल सिंह बस में भी थे। अच्छा, देखिए कहीं ना कहीं देखिए यहाँ के ग्रामीण भी विद्यालय प्रशासन पे भी आरोप लगा रहे हैं कि जितना बच्चों को बैठाना चाहिए उससे ज्यादा बैठा के ले गए थे। यहाँ तक उनके पिता का ये आरोप है कि जो है वहाँ घटना होने के बाद न विद्यालय प्रशासन द्वारा वहाँ घटना स्थल पर लोगों से मुलाकात की गई, न डेथ होने के लगभग 24 घंटे बीत गया है, उनके परिवार से भी कोई मिलने नहीं आया है। जरा उनकी माता से बात करेंगे, थोड़ा सा पूछ कर, थोड़ा सा बात करेंगे। चलो और दिखा जाए, क्या नाम है आपका? संजू। बेटा कई बजे गया था घर से? 6 बजे। 6 बजे गया था। कुछ खाया पिया था? नहीं, कुछ खाया पिया नहीं था। नहीं, खाने का कबर रोटी दोनों लड़का लड़की खाए हैं बस। अच्छा, दोनों बेटा बेटी दोनों गए थे। तो कब तक कहा था कि वापस हम आएंगे? मम्मी कुछ बताया था? कह रहे 10-11 बजे, हम सब 10 ज्यादा से ज्यादा लेट 11 बजे तक आई जाए। कब जानकारी हुई आपको घटना की? 10 बजे। 10 बजे सुबह जानकारी हुई, एक्सीडेंट की हुई थी? हाँ, खत्म होने की जानकारी नहीं हुई थी आपको? नहीं, कब हुई? ये हमारे रात के हमारे लड़का आया है, तब हमें पता चला कि यहाँ खत्म हो गया है। एम्बुलेंस से देखिए, ये माँ है, इनको जो है इनको सुबह बच्चा गया तो इनको ये नहीं था कि हमारा बच्चा लौटेगा नहीं। ये माँ है, इनका रोते रोते बुरा हाल हो गया है, ये लोग कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है, बड़ी भयावह स्थिति है। बता दें आपको, प्रयागराज जिले में जो घटना हुई है, जौनपुर जनपद से जो बस गई थी, कीर्ति विद्यालय करके एक है, कांति देवी श्रीमती कांति विद्यालय कहाँ है, परमालपुर भरतीपुर से जो गए थे, जौनपुर से गई थी, उस बस की जो दुर्घटनाग्रस्त हुई थी, इस गांव का भी एक लड़का अनुराग था, उसकी डेथ हुई है और कई बच्चे गए थे जो विद्यालय
प्रशासन पे भी आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ के लोग जो है बस में जितना सवारी होनी चाहिए उससे ज्यादा। अब इनका कहना यह भी है कि 24 घंटे से ज्यादा हो गया घटना के हुए, किसी तरह की कोई मदद के लिए आगे भी नहीं आया है, विद्यालय प्रशासन भी परिवार से मिलने नहीं पहुंच रहा है। ये पता रहे, ये प्रबंधक का गांव है जिनका विद्यालय है। ढेर सारे आरोप लगा रहे हैं लोग। इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।